रायपुर मेयर एजाज ढेबर के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब काम नहीं कर सकते तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस द्वारा 3 सीटों पर उपचुनाव के दावे पर साव ने कहा कि कांग्रेस इस बार शून्य में आउट होने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में लोगों से कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के लिए वोट कीजिए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में ना दूल्हा है ना बराती, बराती छोड़कर सब भाग गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। किसी राजनीतिक दल की इससे दुर्गति और क्या हो सकती है, ये पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वार्डो में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी। इसको कोई रायपुर के निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं कि अगर सब समस्या हल हो जाएगी तो फिर डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। मैंने वही कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ये भ्रष्टाचार की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आप लोगों ने कल 2 ईल का वेतन वृद्धि रोकने का पीडब्ल्यूडी के आदेश दिया था। देखिए जहां पर भी गड़बड़ी मिलेगी कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासनिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को करना आवश्यक है और जिस तरह से कोई भी अनियमितता गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है, बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं, इससे और दुर्गति क्या होगी किसी राजनीतिक दल की। और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी। प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े दावे किए, अब की बात 75 पार, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस भूपेश बघेल को घर बिठा दिया, उसकी सरकार को उखाड़ फेंका और कांग्रेस में आज भगदड़ मची है। कांग्रेस के तो हालात ये होने वाले हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। भूपेश बघेल जैसे छत्तीसगढ़ की जनता के बीच झूठ बोलने का काम उन्होंने किया, वही झूठ रायबरेली में जाकर बोल रहे हैं। रायबरेली जनता को उन्हें बताना चाहिए कि किस किन कारणों से छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया, कैसे 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथों से लूटा, कैसे छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, नशे का गढ़ बनाया और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की। आज रायबरेली की जनता के बीच जाकर झूठ बोलने का काम न करें, भ्रम फैलाने का काम न करें। रायबरेली की जनता 5 साल जिस गांधी नेहरू परिवार को ढूंढ रही थी, उनके किसी दुख में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति वहां आंसू पहुंचने नहीं आया और आज इस प्रकार से दावे भूपेश बघेल रायबरेली में जाकर कर रहे हैं। तो ये भ्रम और झूठ की राजनीति रायबरेली की जनता बखूबी जानती है कि जो छत्तीसगढ़ में नकारे गए हैं, रायबरेली की जनता उनके बातों पर बिल्कुल भी